हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रीवियस ईयर के बीसीए के एंट्रेंस पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीसीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क का होता है और टोटल आपके 200 मार्क का पूरा पेपर होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक देखेंगे, 20 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग 20 से 40 का देखेंगे। तो ऐसे करके इस वीडियो के टोटल 5 पार्ट होंगे और जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस होता है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा। तो आज के वीडियो में 1 से 20 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन निकाला जाता है, आपको बताना है कि पेनिसिलिन कहाँ से निकाला जाता है। आपके ऑप्शन है ए खमीर, बी शैवाल, सी कवक या फिर डी काई। आपको बताना है कि पेनिसिलिन कहाँ से निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक से, यानी कि आपका पेनिसिलिन कवक से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क वर्ष है, आपको बताना है कि शुष्क वर्ष निम्नलिखित में से क्या है? ठोस अमोनिया है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखिए यहाँ पर शुष्क और ठोस दोनों कार्बन डाइऑक्साइड दिए गए हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जल्दी जल्दी में कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड को मार देते हैं, जो कि गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर तीसरे का ऑप्शन नंबर डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने में जल का क्वथनांक क्या है? तो आपको बताना है कि केल्विन पैमाने में जल का क्वथनांक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 373 केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, डेसिबल निम्नलिखित की इकाई है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता की, यानी कि डेसिबल जो होती है किसकी इकाई होती है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां नंबर, मसालों का बगीचा कहे जाने वाले भारतवर्ष के राज्य का नाम है। आपको बताना है कि मसालों का बगीचा कौन से राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को, यानी कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है क्या? मसालों का बगीचा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है और ब्रैकेट के बाहर है 8 आपका और इज इक्वल टू दिया है क्वेश्चन मार्क और फिर ब्रैकेट के बाहर 2 दिया है। यह शायद बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ए होगा, यह वाला आंसर इसका सही होगा। आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि आपने 12th में पढ़ा होगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे। इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से फॉलो जाके कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला प्रकाश वर्ण कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला प्रकाश वर्ण कौन सा है, प्रकाश का वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। तो 8वें का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर आती है, ए चालन द्वारा, बी समूह द्वारा, सी विकिरण द्वारा या फिर डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, विकिरण द्वारा, यानी कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा आती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्मृति अच्छा है तथा इस पर मात्र एक बार लेखन संभव है। ऑप्शन नंबर ए रैम, बी ई पी रोम या और ऑप्शन नंबर सी ई पी रोम और ऑप्शन नंबर डी पी रोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पी रोम, यानी कि पी रोम जो है स्मृति अच्छा है तथा इस पर मात्र एक बार लेखन संभव है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी हो एवं कमरे का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर हो तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1100 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन रीजनिंग से रिलेटेड है। एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, एक पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, 5 साल बाद पहले वह अपने बेटे से 4 गुना बड़ा था, बेटे की वर्तमान उम्र क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 12वें का बी होगा, 15 साल। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने कहा
यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, मोहन का उस लड़की से क्या संबंध है? यह रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ससुर का। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर रीना का नंबर 11वां है, पंक्ति में लड़कियों की संख्या कितनी है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 21। आप सभी लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे करके एक लाइन बना के आप इसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। केजी का भाई है, एमके की बहन है और पीएन का भाई है और एन जो है जे की पुत्री है, तब पी का चाचा कौन है? आपका क्वेश्चन है कि के जो है जे का भाई है, यानी कि के जो है जे का भाई है, एम जो है वह के की बहन है, पी जो है वह एन का भाई है और एन जो है वह जे की पुत्री है। तो आपको बताना है पी का चाचा इनमें से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा के, यानी कि क्या है पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा के है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प का चुनाव कीजिए जो कि निम्नलिखित संख्या समूह के समान हो। आपका क्वेश्चन है 64, 216 और 25। तो 64 किसका वर्ग होता है, किसका घन होता है, तो 4 का होता है, 4 चौक 16 चौक 64। 16 किसका होता है, तो यह 6 का होता है, 6 का 36 छक्का 216। और 125 किसका होता है, तो 5 का होता है, 5 25 25 25 125 होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का वह सी होगा, क्योंकि आप देखिए 2 का घन क्या होगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 2 का होगा, और 27 का क्या होता है, तो 3 3 9 3 27 और 64 का 4 चौक 16 चौक 64। यही इसका जो होगा इससे मिलता जुलता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी तरीके से यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8, 27 और 64। तो इसी तरीके से आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि गुणा करने के लिए इसका उपयोग हो, यानी कि इसके स्थान पर यह उपयोग हो और भाग के स्थान पर प्लस वाला उपयोग हो और सबट्रैक्ट करने के स्थान पर भाग वाला उपयोग हो और जोड़ने के स्थान पर गुणा करने वाला उपयोग हो, तो इन अगर चिन्हों को हम बदल दें इसमें अगर चिन्हों को बदल दें इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को इन चिन्हों के हिसाब से अगर बदल दें, जहाँ जहाँ गुणा है वहाँ वहाँ ऋण का सिंबल लगा दें, जहाँ जहाँ भाग है वहाँ धन का, ऐसे करके बदल दें, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 478 आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया था, वर्ष 1989 में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था किस दिन को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुवार को, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है कैलेंडर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है यदि E बराबर 5 और हेन बराबर 27 तो पेन का क्या मतलब होगा? तो आप इसको ए बी सी डी लिख के उसका नंबरिंग करके आप इसको सॉल्व करेंगे, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा वह आएगा 35, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रम में गलत संख्या बताइए, आपको गलत संख्या बताना है 12, 28, 30, 39 और 48 में आपको गलत संख्या कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28, यानी कि जो 28 है इसमें रॉन्ग है। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा कि किस तरीके से यह रॉन्ग है। तो यह तो थे आपके 1 से 20 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन 1 से 20 तक था। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 से 40 तक, इसके पार्ट टू में। तो जल्दी से पार्ट टू पाने के लिए आप इसको लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।